आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपसे झूठ बोल रहा है और आपको आइडिया तक नहीं है। रिसेंटली मेरे घर पे ये एडवर्टाइजमेंट आई, 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड का इंटरनेट सिर्फ 170 रुपए में। इतना सस्ता कैसे? मैंने उस बंदे को फोन करके पूछा कि भाई सच में 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड मिलते हैं क्या? नहीं, और उसने कहा हाँ मिलते हैं। लेकिन उस बंदे ने कन्वीनियंटली मुझसे एक बात छुपाई कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। देखिए, टिपिकली ना इंटरनेट स्पीड्स को मेगाबाइट्स पर सेकंड या फिर MBPS के फॉर्म में कोट किया जाता है, लेकिन मोस्ट केसेस में ये MBPS होता है, लेकिन इस पेपर पे तो MBPS है। यानी कि यहां पर ये मेगाबाइट्स नहीं बल्कि मेगाबिट्स पर सेकंड का स्पीड है। 1 मेगाबाइट पर सेकंड इज इक्वल टू 8 मेगाबिट्स पर सेकंड। स्पीड को मेगाबिट्स पर सेकंड में कोट करने में कोई गलत बात नहीं है। जियो और एयरटेल जैसे बड़े कॉर्पोरेशंस भी ये करते हैं, लेकिन ये करने के बाद आपको मेगाबाइट्स पर सेकंड बोलना ये पूरी तरह गलत है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हाई स्पीड इंटरनेट सारे गलत कामों के लिए यूज करता है। और ऐसी वैल्यूएबल शॉर्ट्स को देखते रहने मुझे सब्सक्राइब कीजिए।